डबल 100 इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डबल 100 इन लिस्ट ए, 100 इन अंडर 19 क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी में 100 मारना, दिलीप ट्रॉफी में 100 मारना, विजय हजारे में 100 मारना, आईपीएल के अंदर 100 मारना और इंडिया से खेलते हुए अपने पहले टेस्ट मैच के अंदर पहली इनिंग के अंदर 100 मारना, भाई जायसवाल सेंचुरी स्कोर किया। बहुत आसान समझ ले कंडीशंस मिली है भारत को, फ्रेंडली कंडीशन मिली है और उसमें डेब्यू करवाया उन्होंने अपने इस यंगस्टर का। बहुत सारे लोग ज्यादती करते हैं, डिस्क्रेडिट करते हैं कि जी वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये तो क्वालिफाई नहीं की तो यहाँ सेंचुरी मार दी। अरे भैया डेब्यू पे है लड़का, है यशवी जायसवाल ने नहीं बोला था कि नहीं जी आप एक हल्के ओपोनेंट को मेरे सामने उतार दीजिए, उस लड़के को मौका मिला और उस लड़के ने क्या इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। आ जाए कि इंडिया को नया जो है वो राहुल द्रविड़ मिल गया है, कुछ कम नहीं होगा जैसे इस बंदे ने बैटिंग किया है। मतलब क्या यार प्लेयर, और जिस अंदाज से उस बंदे ने आज बैटिंग किया ना, मैं लिख के कहता हूँ कि पाकिस्तान के कई घंटे हैं जिनसे मैं कहता हूँ हजार गुना बेहतर है वो, और आपको पता चल गया किन घंटों की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कि कहां से आते हैं इतने प्लेयर्स इंडिया के पास, मुझे समझ सच्ची में नहीं आ रही कि ये अकेली होगी। डेब्यू पे सर 100 ठोक दिया, और क्या मतलब मुझे बताना, लग रहा था कि ये बंदा डेब्यू कर रहा है, इंटरनेशनल का अपने कैरियर का पहला मैच खेल रहा था वो, इससे पहले कोई उसने मैच इंटरनेशनल खेला हुआ, और जिसको कहते हैं ना कि टेम्परामेंट के साथ वो बंदा खेला है, आउटस्टैंडिंग में उसे बोलूंगा यार। विजय हजारा में उसका 100 है, उसके बाद रणजी ट्रॉफी में देख लो उसका 100 है, अंडर 19 में उसका 100 है, आईपीएल में उसका 100 है, दिलीप ट्रॉफी में उसका 100 है, इंटरनेशनल कैरियर के पहले मैच में उसका 100 है। मतलब क्या यार प्लेयर, और जिस अंदाज से उस बंदे ने आज बैटिंग किया ना, मैं लिख के कहता हूँ कि पाकिस्तान के कई घंटे हैं जिनसे मैं कहता हूँ हजार गुना बेहतर है वो, और आपको पता चल गया किन घंटों की मैं बात कर रहा हूँ। क्या प्लेयर है, और लिटरली मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई है क्योंकि इस बंदे की जो स्टोरी है ना वो बड़ी इंस्पायर करती है। पानीपुरी से इंडियन टीम तक का सफर, और उसके पापा भाईजान उसके जो फादर है बड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे कि उनको उसका लड़का उसके लड़के ने मतलब क्या करके दिखाया। मतलब बंदा अंदर ही अंदर बड़ा प्राउड फील करता है यार कि ये हो क्या गया है, और मतलब एक बंदा जो अपने घर से दूर रहा हो, जिसने इतनी ज्यादा स्ट्रगल देखी हो, फिर इंडियन टीम की जाने से जब कैप पहनता है और कैप पहन के साथ परफॉर्मेंस भी देता है, सिर्फ कैप नहीं पहनता, 143 नॉट आउट खेल रहा बैजन ये जसवी जायसवाल। और मुझे बता दो कोई बंदा भी बता दो, लग रहा था वो पहला मैच खेल रहा अपना, और सर यही तो इंडिया की मैं खूसियत कहता हूँ, ये तो बीसीसीआई की अच्छी बात है, वो प्रोडक्ट को उस टाइम तैयार करके लाते हैं जब वो मतलब बिल्कुल रेडी होता है। डबल 100 इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डबल 100 इन लिस्ट ए, 100 इन अंडर 19 क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी में 100 मारना, दिलीप ट्रॉफी में 100 मारना, विजय हजारे में 100 मारना, आईपीएल के अंदर 100 मारना और इंडिया से खेलते हुए अपने पहले टेस्ट मैच के अंदर पहली इनिंग के अंदर 100 मारना, भाई जायसवाल। जब जब इस बंदे का मैं नाम लेता हूँ, जब जब मैं इसकी तारीफ करता हूँ, आईपीएल से मैं इसको देखता हुआ आ रहा हूँ, तब तब मैं एक ही चीज सोचता हूँ कि आज इसके फादर इस पे कितना प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि ये बंदे ने बहुत मेहनत की। अगर आप इसकी हिस्ट्री को देखें तो आपको प्राउड फील होगा, आप खुश होंगे कि क्रिकेट लोगों की लाइफ को चेंज करता है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपका लोग दुनिया में आपको जैसे कहते हैं टैलेंट से जाने जाएंगे। जायसवाल ने साबित किया है कि उसने अपने टैलेंट से अपनी फैमिली को ऊंचे मुकाम पे लेके गया, अपने आप को ऊंचे मुकाम पे लेके गया। आज उसने सेंचुरी मारी है, जबरदस्त सेंचुरी थी, मतलब कि 17वीं दफा इंडिया की तरफ से किसी ने टेस्ट के डेब्यू के अंदर सेंचुरी मारी है, और क्या खूब खेला लड़का खेल रहा है वो। वेस्ट इंडीज की माना कि बॉलिंग इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी यार पहले मैच का प्रेशर तो होता है ना, आप ये अंदाजा लगाएं कि इस ओपनिंग पार्टनरशिप ने इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि ओपनर से लीड चढ़ा दी है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। इंडिया का फर्स्ट टाइम वेस्ट इंडीज के खिलाफ रन इंडिया के ओपनर से स्कोर कर दिया, रिकॉर्ड बना दिया। इसी के साथ साथ जायसवाल ने सेंचुरी मारी, जायसवाल ने बता दिया कि वो इंडिया के लिए अनदर बिग थिंग बनने वाला है फ्यूचर के अंदर जैसा है। मतलब कि कहां से आते हैं इतने प्लेयर्स इंडिया के पास, मुझे समझ सच्ची में नहीं आ रही कि ये अकेली हो गई है। आईपीएल में देखने का मौका मिलता है, लेकिन सुनने में आता है कि ये डोमेस्टिक से ही ऐसे आते हैं, लिस्ट ए में ये विजय हजारे ट्रॉफी होगी, दूसरी ट्रॉफी होगी, रणजी कप हो गया, वहां से उड़कर आते हैं। सेंचुरी खूब, क्या जबरदस्त किस्म की सेंचुरी मारी जायसवाल ने। यशवी जायसवाल, व्हाट अ ड्रीम डेब्यू फॉर अ यंग बॉय, लाइफ स्टोरी है भाई इस लड़के की। और मेरे ख्याल से जब हंगर ऑफ रन होती है ना, एक तो वो आपके खेल में भी दिखती है। बहुत सारे लोग ज्यादती करते हैं, डिस्क्रेडिट करते हैं कि जी वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये तो क्वालिफाई नहीं की तो यहाँ सेंचुरी मार दी। अरे भैया डेब्यू पे है लड़का, है यशवी जायसवाल ने नहीं बोला था कि नहीं जी आप एक हल्के ओपोनेंट को मेरे सामने उतार दीजिए, उस लड़के को मौका मिला और उस लड़के ने क्या इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। लेकिन कमाल, यशवी जायसवाल ने जिस तरह इनिंग्स खेली, कमाल किया उस बच्चे ने। मतलब एक लाइफ स्टोरी है उस लड़के की, किस तरह स्टार्टिंग फ्रॉम एज अ टी सेलर, देन रैक्स टू रिचेस वाली स्टोरी, एंड इट्स ग्रेट टू सी दिस बॉय स्कोरिंग हीप ऑफ रन्स, दैट वन इज डेब्यू। तीसरा इंडियन ओपनर बन गया जिसने ये फीट अचीव किया डेब्यू के ऊपर सेंचुरी मारने का। ही इज लुकिंग सॉलिड,
टी के ब्रेक के ऊपर। मेरी भरपूर दुआ है कि ये बिल्कुल 200 मारे।